नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका और सुविधा कर्मी से संबंधित किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मानदेय व राज्य कर्मी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों साथ में बहुत बड़ी खुशखबरी है बहनों के लिए, संसद में आवाज 28 जुलाई आज की ताज़ा खबर है। दोस्तों बाल विकास मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के साथ में क्या क्या चर्चा हुई है। दोस्तों साथ में आपकी जो आंगनबाड़ी सहायिका और सुविधा कर्मी से संबंधित क्या क्या यहां पर जो ज्ञापन दिया गया है, साथ में क्या कौन कौन सी जो मानदेय से लेकर स्थायीकरण को लेकर और इसके अलावा कौन कौन से आपके जो आवाज है वो उठाई गई है, दोस्तों सारी चर्चा इस वीडियो में आज हम करने वाले। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका और सुविधा कर्मी से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम आपके सामने सबसे पहले लेके आते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो केंद्र सरकार के बजट में हमारी अनदेखी, संविदा कर्मचारी खेत्री अजीत सिंह पार्क में समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं। संविदा कर्मचारी साथ में बता देता हूं, खेत्री अजीत सिंह पार्क में समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं संविदा कर्मी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में संविदा कर्मचारियों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं होने पर शनिवार को अजीत सिंह पार्क में संविदा कर्मचारियों की बैठक हुई। NRHM के लेखाकार मनोज सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार से खपा नजर आए। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने व $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा तो कर दी लेकिन संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर अंगूठा दिखाया। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की गई है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट का कर्मचारियों ने विरोध किया। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर उम्मीद लगाए हुए, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का बिंदु रखा था, साथ पर जिस पर कमेटी बनाकर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक कर उन पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान बैठक में एम्बुलेंस चालक विनोद शर्मा, विकास जांगीड, उषा बलोटिया सहायक रेडियोग्राफर और ये बहुत सारे कर्मचारी है वो वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर उठाई चितलवान। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक हुई तो मैं बता देता हूँ सारी जानकारी आपको। उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक हुई जिसमें कर्मचारी संघ के संरक्षक ईश्वर राम गोदारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मतदाताओं को लुभाकर अपनी अपनी सरकार बनाने के मकसद से जो कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वे महज जुमलेबाजी साबित हो रहे। आंगनबाड़ी यूनियन चितलवाना ब्लॉक के मंत्री मीरा देवी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार की ओर से जारी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को स्थायी करने व न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने से संबंधित किए गए वादे पूरे नहीं किए गए जिसको लेकर संविदा कर्मी व आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त रूप से आगामी 1 मई को सांचौर उपखंड पर रैली निकालकर संविदा कर्मियों व आंगनबाड़ी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन है वो 18,000 दिलवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव बैठली में जागरूकता रैली निकाली है तो मैं बता देता हूँ सारी जानकारी आपको। स्वाद सहयोगी बोबेन गांव बैठली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली की अध्यक्षता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कविता देवी ने की। उन्होंने इस रैली के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, पोषण अभियान व अन्य स्कीमों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। साथ में आंगनबाड़ी वर्कर्स कविता देवी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि बेटी को शिक्षित करने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर कविता के द्वारा महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत महिलाओं कन्या भ्रूण हत्या न करने जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर शपथ दिलाई। इस रैली में कविता देवी, सुमित, हेल्पर कुसुम, सुमन, स्कूल टीचर सीमा व गाँव की अन्य महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया। विधायक मीणा ने पूछा आंगनबाड़ी कार्मिक नियमित हो सकती है, मंत्री ने किया इनकार। विधानसभा के द्वितीय सत्र के तहत दरियावद विधायक गौतम लाल मीणा ने जो तारांकित पर्सन संख्या
34-04 मैबावी के तहत सरकार के लिए बड़ी बात है आपके लिए। विधानसभा के द्वितीय सत्र के तहत दरियाबाद विधायक गौतम लाल मीणा ने अतारांकित प्रश्न संख्या 34-04 मैबावी के तहत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं सहायक सहयोगिनी को नियमित करने संबंधी प्रश्न रखा है। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जवाब देते हुए नियमित करने से इनकार किया है। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता सहायिका एवं सहयोगिनी स्वैच्छिक भावना से मानदेय सेवा पर काम करने वाली कार्मिक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 24/2/2016 सीडी प्रथम दिनांक 26/2/2016 द्वारा ये अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानदेय कार्मिक है तथा अपनी सेवाएं मासिक मानदेय के आधार पर प्रदान करती है। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को न तो स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा सकता है और न ही अन्य सिविल पद दिया जा सकता है। न्यायालय ने अमीरी बी एवं अन्य के प्रबंध निर्धारित किया है। इसी के साथ में आंगनबाड़ी कार्मिक का कारण इन्हें न तो सरकारी ही कर्मचारी घोषित कर सकता है और न ही इन्हें न्यूनतम मजदूरी में दिया जा सकता है। अतः इन्हें सरकारी कर्मचारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो मानदेय की कटौती को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ज्ञापन 22 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका एकता यूनियन सीटू मध्य प्रदेश जिला शाखा गुना की अध्यक्ष किरण तिवारी एवं महासचिव कृष्णा ने सारी जानकारी बताई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका एकता यूनियन सीटू मध्य प्रदेश जिला शाखा गुना की अध्यक्ष किरण तिवारी एवं महासचिव कृष्ण सिंह कुशवाहा ने बताया कि लगातार चल रहे संघर्ष व प्रदेश की विधानसभा के समक्ष 2 दिन तक चले महापड़ाव के दबाव में तत्कालीन राज्य सरकार ने मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी 1 जून से लागू की थी तथा बढ़ोतरी सहित मानदेय मिल भी रहा था, परंतु प्रदर्शन की वर्तमान सरकार ने 27 जून को एक संशोधित आदेश जारी कर मिल रहे मानदेय में 1,500 रुपये की गैर कानूनी कटौती कर दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस कटौती के बाद में मिल रहा है 10,000 रुपये मासिक मानदेय अब घटकर 8,500 रुपये रह जाएगा। मानदेय में कमलनाथ सरकार की जारी कटौती के विरोध में 22 जुलाई को राज्यव्यापी आह्वान पर कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। इसके पूर्व 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे डाक बंगला गुना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मिनी कार्यकर्ताओं की रैली निकाली गई है जो हनुमान चौराहे होती हुई कलेक्टोरेट कार्यालय पर पहुंचेगी। जिला अध्यक्ष एवं महासचिव ने सभी कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। यहां आप देख सकते हो आंगनबाड़ी भेजने का दिया निमंत्रण। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर अनामांकित व अनियमित बच्चों के अभिभावकों के घर पहुंचकर बच्चों को किया यहां पर आह्वान। यहां आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र में अनामांकित व अनियमित बच्चों के अभिभावकों के घर पहुंचकर बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने का आमंत्रण पत्र दिया। सरपंच कालूराम गायरी, वार्ड पंच नानूराम गायरी, यहां पर देख सकते आशा सहयोगिनी कांता टांक और आंगनबाड़ी सहायिका नारायणी वैष्णव और ग्राम सतीन कल्पना कोटारी ने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने का आह्वान किया है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली बोतल। यहां आप देख सकते हो पूरी न्यूज में आपको बता देता हूं, शासन के आदेश पर ग्राम पंचायत व आंगनबाड़ी स्कूलों में वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें आज ग्राम में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही स्वच्छता के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बोतल वितरित की गई। सुपरवाइजर सुंदर अहरीवाल ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वच्छता अंतर्गत बांटी गई है। कार्य क्रम में मौजूद लोगों में सुपरवाइजर सुंदरलाल अहरीवाल, राजकुमार जैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण जैन, प्रीति जैन, रामबाबू समेत कई लोग यहां पर मौजूद रही थी। साथ में आंगनबाड़ी में नेनियालों की खुराक से खिलवाड़, भेज दिया एक्सपायरी रोशन। पानीपत की यह न्यूज है तो मैं बता देता हूँ पूरी न्यूज आपको। पानीपत में नेनियालों के लिए आंगनबाड़ी में दी जाने वाली खुराक से खिलवाड़ किया गया। 4 ब्लॉकों में स्थित करीब 715 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 माह के लिए एक्सपायरी डेट के मुरमुरे, सोयाबीन, हल्दी और जीरा की आपूर्ति कर दी गई है। खाद्य सामग्री केंद्रों में पहुंची तो वर्कर्स ने हो अल्लाह कर दिया। पहले तो अधिकारियों ने सामग्री को ठीक बताकर इस्तेमाल के निर्देश दिए। अधिकारियों से लिखित में मांगा गया तो समालका और बपोली ब्लॉक की सप्लाई रुकवा दी गई और सप्लायर को नई पैकिंग में सामान आपूर्ति के निर्देश दे दिए गए। तो यहां आप देख सकते हो पानीपत में 6 ब्लॉक पानीपत ग्रामीण, शहर इसराना, मतलोड़ा और समालखा और बापुली और इन ब्लॉकों में 1048 आंगनबाड़ी केंद्र है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं साथ में तहत शिव ट्रेंडर्स नाम की फर्म इन केंद्रों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति करती है। पानीपत ग्रामीण, शहरी इसराना और यहां पर स्थित 715 केंद्रों में 4-5 दिन
पहले 3 माह के लिए मुरमुरे, भुना हुआ चना, सोयाबीन, हल्दी और जीरा की आपूर्ति तो हुई, लेकिन इसकी वैधता खत्म हो चुकी थी। फर्म ने अलग अलग स्टिकर लगाकर लगभग 2 माह की डेट डाली हुई थी। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने की आपत्ति, केंद्रों की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सरला यादव के समक्ष मौखिक आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में वर्कर्स ने आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की जिला कमेटी प्रधान संतोष रावल को भी इस संबंध में जानकारी दी। रावल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात की तो आरोप है कि उन्होंने खाद्य सामग्री को सही बताकर इस्तेमाल के लिए कहा है। लिखित में आदेश मांगा गया तो इनकार कर दिया गया। मामला बिगड़ता देख विभागीय अधिकारियों ने समालका और बापोली की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को वर्कर्स इस्तेमाल करने से डर रही है। नतीजा इन केंद्रों के हजारों निवाल भूखे पेट घरों को लौट रहे। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आंगनबाड़ी सुविधा कर्मी और आशा भवनों से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और पल पल की अपडेट भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।